हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, सोनम पांडे ब्लॉग्स में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज है सैटरडे। मैं शाम से ही मतलब स्टार्ट कर रही हूँ, बज रहे हैं 7:30, मतलब रात हो गई है। तो हम लोग जा रहे थे सनी मार्केट सब्जी लाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूंगी और सब्जी का भी पता चल जाएगा क्या कैसे कितने में मिलता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे बने रहो। और देवाई भी चल रहा है, देवाई भी रेडी हो से, हाँ देवाई को भी थोड़ा घुमा दूंगी। उसके पापा हो गए हैं रेडी, ये भी निकल रहे हैं क्योंकि ये कमरे में बैठे बैठे ये भी उब जाता है, तो इसलिए इसको भी लेके चल रही हूँ। आऊंगी फिर। सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या पता नहीं क्या हो गया है सर, बहुत दुख रहा है। तो अभी जा रही हूँ सब्जी लाने, सब्जी लाने के बाद आप लोगों को वहाँ का भी वीडियो दिखाऊंगी। तो बने रहो ऐसे मेरे वीडियो में। क्यों 20 रुपए के एक ये किलो, 20 रुपए किलो ले लूँ एक। ले लो एक ग्लव्स, नीचे गिर गया उठाइयो, ग्लव्स नीचे गिर गया उठाओ। एक किलो कर दो यार। गुलू ऐसे नहीं छोटे छोटे फूल करूँ क्या, छोटा छोटा की यही सही है, यही कर लो, देख लो तुम्हारी मर्जी है। तो गाइस हम लोग खरीद रहे हैं गोभी, क्या हुआ ज्यादा, एक किलो आ जाएगी, एक किलो ज्यादा है वो, हाँ छोटा ले लो, ये सही है। तो ये वाला सही है, दे दो। जो कम है तो ये देखो, हम लोग आ गए हैं मार्केट में, बहुत भीड़ है। और इसके पापा बाइक चला रहे हैं। मटर मटर आगे देख लो, मटर मटर सूखे इसके, इसीलिए 20 रुपए किलो दे रहा है। मिर्ची भी ले गई है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। अरे यार रुको, आलू 50 का 6 किलो, आलू 50 का 6 किलो, आलू सही तो है ना, 20 का 2 किलो, आलू 50 का 6 किलो, आलू 50 का 6 किलो, प्याज 20 का 2 किलो, 30 का 2 किलो, आलू 50 का 6 किलो, आलू 50 का 6 किलो, प्याज भरो 30 का 2, आलू 50 का 6 किलो, प्याज भरो 30 का 2 किलो, 30 का 2 किलो, आलू 50 का 6 किलो, आलू 50 का 6 किलो, प्याज भरो 30 का 2 किलो, 30 का 2 किलो, आलू 50 का 6 किलो, आलू 50 का 6, हेलो गाइस यहाँ पे हम लोग आलू ले रहे हैं, आलू 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 50 का 6 किलो, आलू 50 का 6 किलो, मिलते हैं छोटा सा पेमेंट करने के बाद में। तो ये आलू हमारी हो चुकी है, आलू 20 रुपए, हाँ ले लूं। अब सर्दियों में 20 में ही मिलेगा, नहीं तो वैसे कहाँ मिलेगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग ना बिजो। पापा जो है ये छाट छाट के भरेंगे 20 रुपए किलो टमाटर, क्योंकि सर्दी का मौसम में तो सस्ता ही मिलेगा। उसके पापा देवाय देखना सही से बैठना, देवाय को गाड़ी बैठा दिए हैं, देवाय सही से बैठना। और ये देखो धनिया पत्ती है, और बहुत महंगा मिलता है टमाटर और प्याज, सारी सब्जियां महंगी मिलती हैं। तो ये छाट रहे हैं, इधर ये ज्यादा गले हुए टमाटर है, इधर सही है क्योंकि वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और ये थोड़ा सही है, टाइट है तो ये चलेगा काफी दिन। और धनिया पत्ती देसी है, टमाटर 20 रुपए किलो, देसी 20 रुपए किलो, 10 का आधा किलो, 5 की कर दो, 20 रुपए किलो, बढ़िया वाला टमाटर 5 की, वैसे बहुत ज्यादा।
अब क्या करेंगे, एक पाव धनिया भी अभी सस्ती पड़ी है, 10 पाव अभी रखी हुई है, 10 पाव रखी हुई है, 5 कर दो बस अंकल। अरे लहसुन क्या है यार, हरा लहसुन कैसे दे रहे हो, ये प्याज है, ये लहसुन है, प्याज है, लहसुन नहीं है, 15 का 100 ग्राम, ये लहसुन है 15 का 100 ग्राम दे रहे हैं, 10 का कर दो, 20 रुपए किलो, 10 का 10 किलो टमाटर, रखी हुई है तो थोड़ी सी ताजी ले लेती हूँ, 10 का 100 ग्राम, उनसे कोई खाने वाला है नहीं, अब आज अंकल को भी रिकॉर्ड कर ले रही हूँ, 10 का 100 ग्राम, मिर्ची वैसे कोई ज्यादा खाने वाला है नहीं ना, इसीलिए आज अंकल को भी रिकॉर्ड कर ले रही हूँ। मटर कैसे, 1 किलो ले लूँ भैया, क्योंकि आगे ना छाप वाप के रखते हो, यार वो छाप वाप के रखते हो ना, छाप वाला माल नहीं है। हाँ भाई, तो आगे अच्छा अच्छा दिखाएंगे, और उसके आपने आगे जो एकदम पत्ता पत्ता रखेंगे मटर, 30 का 1 किलो। हाँ वही तो, उस दिन बाहर देखो बढ़िया, तुम्हें पता ही होगा बताना क्या भाई, मेरा काम छाप लगाने का नहीं है, छाप लगाते थे किसी जमाने में, अब टाइम खत्म है, हाँ ऐसे करके लगाते हैं एकदम सेम। तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं रात से ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि कल गई थी मार्केट, आने के बाद बहुत लेट हो गया था, तो हम लोग फिर खाना वाना बनाने लगे, फिर लेट हो गया, मैंने कहा सुबह ही रिकॉर्ड करूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, कहते हैं ना मार्केट जाओ तो फिर सामान वामान लेने में टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आने के बाद फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं सनी मार्केट से कल क्या क्या लेके आई आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले मैं अपने पांडे जी से मिलवा दूँ, तो अभी ये सोए हुए हैं, अब इनको मैं उठा रही हूँ चाय पानी करने के लिए, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि आज संडे है, और ये तो चाय पानी कर चुका है नाश्ता। हाय गाइस, तो हाँ क्योंकि ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसीलिए कुछ नहीं बताने वाला है, ये गुस्सा करता है, और ये हैं पांडे हमारे। तो क्या है आज उठना नहीं है क्या? नहीं उठ गया हूँ, बस चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ। तो आज इनका आज छुट्टी है ना, तो इसीलिए लेट कर रहे हैं, और मैं भी खाना नाश्ता तो बना चुकी हूँ, लेकिन हम तो भाई खा वाली है, ये बैठे हुए हैं क्योंकि इनको लेट से सो के उठ रहे हैं, हम जा रहे हैं अब खाना बनाएं क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है, और संडे है, कपड़ा भी धुलना है, थोड़ा बहुत घर की सफाई भी करनी है, तो हमने कहा कि लाओ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखो मैं क्या क्या लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है 3 किलो आलू, मैं लेके आई कितने का, 50 का 6 किलो लिया था, तो 25 का 3 किलो मैं लेके आई हूँ, और फूल गोभी बहुत ताजी ताजी मिल रही थी, तो ये मैं 20 रुपए किलो दिया, और ये मैं धनिया पत्ती ले आई हूँ 5 का, 10 का पाव दे रहा था, मैंने कहा 8 पाव दे दो क्योंकि क्या करूंगी सूख जाएगी, और ये तो मैं जरूर लेके आती हूँ जब भी मार्केट में जाती हूँ, तो 10 रुपए का ये लहसुन लेके आई थी हरा, और 1 किलो टमाटर लेके आई, मेरा टमाटर भी गिर रहे हैं, छोटी फैमिली है क्या करूंगी लेके, और 1 किलो मटर लेके आई हूँ, और मैं मिर्ची लेके आई हूँ 50 ग्राम क्योंकि मिर्ची मेरे यहाँ कोई ज्यादा खाता नहीं है,
जो खाती हूँ वही खाती हूँ, तो ज्यादा पांडे भी नहीं खाते हैं। तो मिर्च में 50 ग्राम लेके आई हूँ और प्याज मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी, तो मैंने कहा आते जाते ऑफिस से आते जाते सब मैं मंगवा लूंगी, क्योंकि आधा किलो के करीब में तो प्याज है। तो इतना मैं सब्जी खरीद के ले आई और ये देखो मैं बनाने जा रही हूँ खाना, मटर छील ली हूँ और टमाटर भी लगा भी रखी हूँ। तो चल रही हूँ खाना बनाऊंगी, बहुत ज्यादा हो रहा है, बज रहे हैं 11, तो मैं खाना बनाऊंगी। उसके बाद एक बाल्टी समझ लो मेरे कपड़े निकले हुए, मेरे क्या मेरे इनके पति के और मेरे बच्चे के और मेरा एक बाल्टी भर के कपड़ा निकला हुआ। तो चल रही हूँ कपड़ा, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को भी लाइक कर लिया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। और मैं अपनी माता जी से मिलवा देती हूँ, आप लोग भी माता जी के दर्शन कर लो, जय माता रानी की। तो इस वीडियो में तब तक के लिए बाय।